हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी छात्रों के लिए एक बड़ी खबर यहां पर लेकर आया हूं। जी हां फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट आज की ब्रेकिंग न्यूज है, छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जी हां फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा जिससे आपको जो रेलवे ग्रुप डी का अपडेट आया है इसके बारे में पता चल सके। तो चलिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, मैं रेलवे ग्रुप डी की हर अपडेट वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर inkhabar.com पर इस न्यूज को प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर बोला है कि RRB ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस 2019, RRB ग्रुप डी के 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार 2 दिन बाद खत्म होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ग्रुप डी के लाखों रिजेक्ट हुए एप्लीकेशन स्टेटस को 6 सितंबर को जारी करेगा। RRB ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल RRB ग्रुप डी के 10 लाख से ज़्यादा रिजेक्ट फॉर्मों के स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 दिन बाद यानी कि 6 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। RRB ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकेंगे। ठीक है, ये RRB चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB ग्रुप डी के 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन निरस्त कर दिए थे। आवेदकों को रिजेक्ट करने के पीछे RRB ने गलत फोटो हस्ताक्षर बताकर गलत फोटो को रिजेक्ट कर दिया गया था। RRB के इस कदम को अभ्यर्थियों ने अन्यायपूर्ण बताया था और इसके खिलाफ रेल मंत्री पीयूष गोयल से शिकायत भी किया था, लेकिन जब बात शिकायत से भी नहीं बनी तो अभ्यर्थियों ने कोई जगह आंदोलन भी किया। फिर जाकर रेलवे भर्ती बोर्ड ने फॉर्म की रीचेकिंग करने पर राजी हुआ। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ग्रुप डी ने 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन अप्रैल में जारी किया था। ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए देश भर में लगभग 1.15 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। RRB की तरफ से ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर अभ्यर्थी लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षण के बाद किया जाएगा। चयन प्रक्रिया जुड़ी अधिक जानकारी लेकर ऑफिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नहीं तो आप टेक्निकल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे भी इसका अपडेट आता रहता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बताते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, इसका जो अपडेट है वो 6 तारीख को आपको मिल जाएगा, यानी आज है 5 सितंबर, कल होगा 6 सितंबर। ठीक है, कल इसका जो है, या तो हो सकता है आज 5 सितंबर तक इसका शाम तक इसका जो कोई अपडेट दे दी जाए, ठीक है, नहीं तो कल 6 सितंबर है, कल इसका अपडेट आपको मिल जाएगा किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। जो छात्र इसका जवाब मांग रहे थे उनको जवाब सभी छात्रों को मिल जाएगा। तो ज़्यादा परेशान ना होने की ज़रूरत है, आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी की हर अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।